हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल रंगे हाथों गिरफ्तार, उदयपुर एसीपी की टीम ने की कार्रवाई। सदर थाने के हेड कांस्टेबल को किया गिरफ्तार। उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सदर थाने के रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत में ली गई 4000 वो शिकायत के सत्यापन के दौरान ली गई 4500 रुपए की राशि समेत 8500 रुपए बरामद किए गए। एसीपी की कार्रवाई से सदर थाने समेत समूचे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सदर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल मोतीलाल की ओर से भैंस चोरी के मामले में रिश्वत की मांग की गई। शिकायत का सत्यापन करवाया गया। इसके बाद उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा के नेतृत्व में कार्रवाई की टीम गठित की गई, जिसके चलते पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र मीणा, हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र, मुनीर मोहम्मद, कांस्टेबल राजेश, कनिष्ठ सहायक दलपत सिंह व लक्ष्मण सिंह की टीम गुरुवार को आबूरोड सदर थाने पहुंची, जहां परिवादी से बकाया रिश्वत की राशि लेते हुए हेड कांस्टेबल पाली जिले के बाली तहसील के माताजी का वारा पोस्ट दादई निवासी हॉल सदर थाना हेड कांस्टेबल मोतीलाल पिता लच्छाराम को रिश्वत की बकाया राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की टीम की ओर से आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी हेड कांस्टेबल से रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई। एसीबी की ओर से की गई कार्रवाई के चलते सदर थाने समेत समूचे खाकी महकमे में हड़कंप मच गया। मुदरला गांव के वेलांगरी फली निवासी नैनमल पुत्र मोहनलाल गरासिया के भाई व पिता की 4 भैंस गाँव में चोरी हो गयी थी। पारिवादी के भाई दिनेश गरासिया द्वारा सदर थाने में परिवाद दर्ज कराया गया था, जिसकी जांच सदर थाने के हेड कांस्टेबल मोतीलाल द्वारा की जा रही थी। उक्त वैसे गांव में ही चोरी होने से हेड कांस्टेबल मोतीलाल द्वारा आपसी समझौता करवा दिया गया था। समझौता कराने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। एसीबी की टीम की ओर से शिकायत मिलने पर शिकायत का सत्यापन करवाया गया, जिसके तहत 9 जून को 4,500 रुपए हेड कांस्टेबल को दे दिए गए। इस पर उसने 4,000 रुपए और देने की मांग की, जिस पर हेड कांस्टेबल की मांग के अनुसार आज उसे 4,000 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही 9 जून को ली गई रिश्वत राशि भी बरामद कर ली गई। इस तरह कुल 8,500 रुपए की रिश्वत राशि बरामद कर ली गई, साथ ही हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। जागरूक टीवी की आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।